दोस्तों नमस्कार। ये बासी रोटी की है गुजिया, अगर आप बता पाएंगे कि ये बासी रोटी की गुजिया है। देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है, तो बताइए कैसी लग रही है आपको देखने में। ये बासी रोटी को मैंने यूज करके ये गुजिया बनाया है और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग बासी रोटी से गुजिया। ये गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत अच्छे बनते हैं। जब ये बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने इधर 2 साल से नहीं बनाया है, तो आज मैं ये मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा कि आज इसे बना लिया जाए। तो इसके लिए लिया है मैंने, घर की ही मलाई है, तो इससे मैं थोड़ा सा खोआ बना लूँगी और ये खोआ बनाऊँगी और इसे मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल चढ़ा रखा है। ये मलाई जो है हमें बहुत कम चाहिए, बहुत ज़्यादा मलाई की ज़रूरत नहीं है, खोआ की ज़रूरत नहीं है, तो हम मलाई से ही बना रहे हैं खोआ। तो इसलिए मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है जलाने के लिए और मैंने तेल भी चढ़ा रखा है रोटियों को फ्राई करने के लिए। तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे हम लोग रोटी। इस तरीके से हमारा जो है खोआ भी बन रहा है और रोटियाँ भी फ्राई हो रही हैं। हमारी जो खोआ बन रही है, अगर आपके पास खोआ नहीं हो तो आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए, तो भी स्वाद बिल्कुल बराबर होता है। देखिए हमारी जो खोआ थी वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो बस हमें ऐसे ही चाहिए, हमें और इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। रोटियों को बिल्कुल कड़क कड़क सा सेक लेंगे हम लोग कि बिल्कुल ये कड़क हो जाए, इतने कड़क हो जाए कि बस ये आराम से टूट पाए। ऐसे देखिए कैसे लाल लाल सी मैंने रोटियों को तला है इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने सारी रोटियों को फ्राई कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम ब्राउन ब्राउन सा, और इसे होने देती हूँ मैं ठंडा और उसके बाद फिर चलते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। इसे ठंडा कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से ठंडा, तब काम करेंगे। ये रोटी है ना वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसे हम लोग लेते हैं एक खलबट्टा इस तरीके का हमारे यहाँ आता है, अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसमें तोड़ूंगी। इसमें इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, तो मैं इसे इसमें ही तोड़ने वाली हूँ इस तरीके से। और जब इस तरह डालेंगे ना इस तरीके से बहुत आराम से ये हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा ये कितने अच्छे से, गांव में तो ये होता है ओखली इसको कहते हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छा होता है खल। देखिए कितने अच्छे से ये हमारा रोटी का टुकड़ा जो है वो महीन हो चुका है और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको हम लोग डाल लेते हैं, हमने जो ये बना कर रखा था अपना ये मावा, इसके अंदर इसे हम लोग डाल लेते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। जब पहले मैं जब बच्ची थी उस समय में मम्मी जो है ना तीज के अवसर पर इतने तरह की गुजिया बनाया करती थी, उसमें एक गुजिया यही शामिल था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये जो पूजा वाली आटा होती थी उससे रोटी बनाना, फिर उसको ये करके सेकना, और वो बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे आज भी ये जो गुजिया है बहुत पसंद आती है। इस तरीके से इसे हम लोग मिला लेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग चीनी। इस तरीके से देखिए मैंने जो खोआ है इसको बिल्कुल अच्छे से इसमें मिला लिया है, और इसमें हम लोग डालेंगे किशमिश और थोड़ा सा नारियल जो होता है वो, और डालेंगे हम लोग चीनी। तो हम लोग चीनी डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। इसमें चीनी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो अभी पहले हम लोग मिला कर देखते हैं। चीनी मैंने बारीक नहीं करी है, चीनी इसी तरीके से है। इसका जो आता है मुँह में टेक्स्चर वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये रोटी और नारियल और थोड़ा सा किशमिश, इस तरीके से हम लोगों ने इसे गुजिया की फिलिंग हम लोगों ने तैयार कर ली है। अब चलते हैं आटा लगाने की ओर। फिलिंग है इसमें हमें सूजी वगैरह कुछ भी मिलाने की अब ज़रूरत नहीं है, हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें गुजिया बनानी है। अब हम लोग गुजिया बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने लिया है, मैं लूँगी 2 कटोरी जो है ये मैदा है, और इसे मैं गुथूँगी 2 कटोरी मैदे। मैदे जो हैं वो हम लोग नाप के लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही इसमें हम लोग घी डाल लेंगे, हम लोग घी डाल लेते हैं
घी की मोयन जो होती है ना खास्ता बनाने के लिए, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक चम्मच बड़ा वाला चम्मच से डाला हुआ है। इसे हम लोग हल्के हाथ हाथ से मिला लेते हैं। तो मेरे मैदा में बिल्कुल जो मोयन लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इस तरीके से अगर आप मोयन लगा कर देखेंगे इस तरीके से लड्डू बना के, तो ये बिल्कुल अच्छे से बन जाने चाहिए। और देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो ये हमारा साइन होता है कि आपका जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे गुजिया का आटा तो सब लोग लगाता है, बस फिलिंग अंदर की अलग होती है। तो मैं आज बना रही हूँ नए तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। हमारा जो ये मैदा है बिल्कुल अब रेडी है। तो इसको हम लोग पानी डाल के हल्का गुनगुना सा पानी जो है रूम टेम्परेचर का वही पानी, थोड़े थोड़े पानी डाल के हम लोग इसे मिला लेंगे। बहुत अच्छे से वो आटा जैसा नहीं मिले गूंथेंगे हम लोग, इसे सिर्फ बाइंड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग इसे इस तरीके से जब इसे आप इकट्ठा करते जाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छी सी परत वाली गुजिया बन के तैयार होती है। तो सिर्फ हम लोग इस तरीके से हम लोग इकट्ठा करते जाएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो है इसमें बाइंडिंग आना शुरू हो गई है। इस तरीके से हम लोग इसे मिला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सी बन के तैयार होती है। और हमें आटे की तरह इसे बिल्कुल मलना नहीं होता है। तो मैं तो इस तरह से ही लगाती हूँ ये आटे इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने आटा लगा के रखा है। और इसे आप चाहे तो गीले कपड़े से या बड़े से किसी बरात से ऐसे बंद कीजिए कि ये बिल्कुल पैक हो जाए। और इसे 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। दोस्तों हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए इसे एक बार और मसल लेते हैं हाथ से। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया है। तो इस तरीके से इसे आप इसमें भी डाल के मसल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितने अच्छे से बन के तैयार है। इसे अब हम लोग इसे अब कर लेंगे, कपड़े से ढक देंगे गीले कपड़े से, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। सेट तो हो चुका है, बस बनाते समय ये करक ना हो, इसलिए इसे बनाते समय गीले कपड़े से ढक के रखते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। तो अब हम लोग भुजिया बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे लोई तोड़ेंगे, लेकिन इसे ढक के रखेंगे, नहीं तो बनाते समय ये बिल्कुल कड़क हो जाता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे बॉल जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसे बेल लेंगे अच्छे से पतला। और इस तरह लीजिए एक साँचा और इसमें डालिए और ये बनाइए इस तरीके से अच्छे से। फिलिंग्स डालिए और किनारे पे लगाइए पानी। इस वाले में खोए वाले में मैदा और जो पानी होता है वो मिलाकर लगाते हैं, और सूजी वाला और ये जो बनाते हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ पानी लगाते हैं। खोआ जो होता है वो फटने का डर होता है गुजिया का, तो इसलिए हम लोग उसमें मैदा के साथ पानी घोलते हैं। जितना भी ज़्यादा है ये सारे किनारे से निकल आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसे काट देंगे। कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुए। इस तरीके से देखिए मैंने कई बनाए हैं। हम चाहे तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरीके से डाला और ऐसे किनारे से अगर आप मुड़ते जाएंगे ना, बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। पतले से इस तरीके से आप मोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे हाथ वाले भी। इस तरीके से कितनी सारी गुजिया बनाई है। पांच रोटी जो थी हमारी उसमें इतनी सारी गुजिया हमने बनाई है। अब इसे चलते हैं फ्राई करने की ओर। तो ये मैंने हाथ से बनाया था गुथकर, तो ये भी बहुत अच्छे से सेप आए हैं इस तरीके से। और ये मशीन वाली बनाई थी। तो
चलते हैं अब इसे फ्राई करने की ओर। गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने तेल चढ़ा रखा है और इसे गर्म होने देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस हमें थोड़े से गर्म चाहिए। इस तरीके से हमारी सारी गुजिया हमारी तैयार हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हमारी गुजिया जो है वो बनके है बिल्कुल रेडी, और मैं आपको तोड़ के दिखाऊं। तो देखिए ये अंदर बिल्कुल लग रहा है ना, पूरा खोया को खोया भरा हुआ है। कोई कहेगा कि खोया नहीं है, मैं 2 मिनट के रोका था ताकि ये एक हाथ से नहीं होता है मुझे। दोस्तों हमारा जो ये रोटी वाला गुजिया है वो है बिल्कुल बन के रेडी, और देखिए ये कितने अच्छे से लग रहे हैं। अगर आप किसी को ना बताए कि इसमें आपने रोटी डाला है तो कोई नहीं कहेगा कि आपने इसमें रोटी डाला हुआ है। और देखिए ये बहुत जूसी सा भी है, ऐसा नहीं है हमने चीनी तो खड़ा डाला था ना, तो ये बहुत जूसी सा भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये है और ये गीला नहीं है या गिर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसमें बिल्कुल 1 चम्मच भी सूजी का यूज नहीं किया है, और हमने इसे बनाया है सिर्फ रोटी से, थोड़ा सा खोआ और चीनी से। तो आप देखिए ये कैसा लग रहा है हमारा रोटी वाला गुजिया, और एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें कि ये कैसे बनता है आपकी रसोई में। मेरे रसोई में तो ये बहुत टेस्टी बनता है, और शायद आपकी रसोई में भी बने अगर आप कोशिश करें तो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।